ओ मैं विछोड़ा है हों मुक जाए ते मिलाप है, चूंके हों हों भीत पयो है बीचो भीत दीवार नू कहंदे ने। अगर ए अंदरों गल उठी ए मैं हाँ, ए मैं करदा हाँ, मैं ए कुछ कीता है, मैथों वध सियाना कौन है, मैं सब कुछ जानता हाँ। हजूर कहन लगे सोई अजान कह मैं जाना, जानन हार ना छाना रे, कहो नानक गुर अमियो पियाया, रसक रसक बिगसाना रे। जदों अंदर हों पैदा हो जाती है, हजूर कहंदे ने रब नू कोई भी हों वाला प्राप्त नहीं कर सकता, हों मैं विच प्रभ कोई ना पाए, चूंके हों हों करदिया करदिया मैं ही चेते च रह गई, मैं अगे खलो गई, उस वाहिगुरु नू भुल गया जो करण कारण सी, मैनू बनाउन वाला ओ, मैनू चलाउन वाला ओ, मैनू तमाम शक्ति प्रदान करन वाला ओ, उस नू भुल जावां ते मैं कुछ बन जावां। ते हजूर कहंदे ने हाँ करदिया कोई भी कदम उठाओगे ते रब प्राप्त नहीं हो सकेगा, हों मैं विच प्रभ कोई ना पाए। मुल्लो हो पुला जन्म गवाए, हों करन वाले अपने मूल नू भुल जांदे ने ते जन्म गवा लैंदे ने। चूंके साडा मूल, साडी जड़, साडा मुढ, साडा आधार, सादा अधिष्ठान ओ अकाल पुरख वाहिगुरु है। उस तो बगैर जिवें एक दरखत जड़ कट्टी जाए ते टान सुक जांदे ने, ओ दरखत दरखत नहीं रह जांदा। जे साडा मुढ़ अकाल पुरख वाहिगुरु सुरत विचों कट्टिया गया ते समझ लेना जीवन जीवन नहीं रह जांदा। इस करके धन गुरु रामदास पातशाह फरमान करदे ने, पेड़ मुडाहू कटिया तिस डाल सुकंदे, भलिया जेड़ा पेड़ मुढ़ नालों कटिया जाएगा उनके डाल टाण उसके सुक जावनगे। ये साडा मुढ़ है शब्द गुरु, मैं बेनती करा साडा मुढ़ है मूल मंत्र, साडा मुढ़ है शब्द गुरु दे राही अकाल पुरख परमेश्वर की बंदगी परमात्मा नाल अपनी सुरत नू जोड़ना। जिन्ना ने अपना मुढ़ कैम रखिया, जिन्ना ने मूल नू कैम रखिया, उन्हां दी झोली विच सारे सुख पै जांदे ने। एक मूल लगे ओनी सुख पाया, डाली लागे तिनी जन्म गवाया। ते बेनती करांगा बाहर रब नू भुल के होर आसरा लभना ओ टाणा नाल जुड़न दी गल है, परमात्मा नू भुल के शायद कोई किसे पासे तुर जाए, कोई किसे पासे कोई मड़ी कोई मसान दी पूजा विच लग जाए, कोई कबरां दी पूजा विच लग जाए, किसे होर पखंड वाले पासे कोई तुर जाए, ते समझ लेना अपना मुढ़ भुल गए, अपना मूल भुल गए। ते जिन्हां नू मूल चेते विच नहीं रहिंदा, हजूर कहंदे ने ओ सुख प्राप्त नहीं कर सकदे। मुंडो भुली नानका फिर जन्म मुयास, कस्तूरी के भोलड़ा गंदे डुम पई आस, तू अपना मुढ़ चेते रख, तू मूल चेते विच रख। शायद आप जी ने कदी आकाश वेल वेखी होवेगी, उसनू अंबर वेल भी कहंदे ने, उसनू आकाश वेल भी कहंदे ने। बड़ी बरीक जी तार दी तरह ओ हरी हरी किसे दरखत ते लगी होई, उस दरखत दा रस पींदी है, आप दा उस दा मुढ़ नहीं। मैं बेनती कर दिया भुलेखा ना खायो भी ये आकाश वेल बगैर मुढ़ तो हरी है, ना इस वेल नू लगदा पत्ता, ना इस वेल नू लगदा कोई फुल, ना इस वेल नू लगदा कोई फल, आपू कोई फल फुल लगदा नहीं, ते फल फुल लगन वाले दरखत ते चढ़ जाए ते उस दा रहन कख नहीं देंदी। ये सच है, जेड़ी वेल
बगैर मुढ़ तो होवेगी वो अंबर वेल चो लभेगा कुछ नहीं। जेड़ा जीवन अकाल पुरख परमेश्वर दे मूल तो टुटा होवेगा उस जीवन विचों ना शांति ना धीरज ना सेवा ना सिमरन ना कोई सत ना संतोख ना दया ना धर्म ना धीरज की गल होवेगी। इस करके साहब कहंदे ने अगर अंदर शांति है यह जिंदगी का शिंगार है उस प्रभु नू प्राप्त कर लैंदा उसका आनंद मानदा है। जेड़े मूल नू भुल जांदे ने वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंदे। हां जी गुरु ते सात सहज सुख बाणी गुरु दी बाणी राही शांति मिलती है सहज मिलता है ते सुख प्राप्त हुंदा है। गुरु ते शांत सहज सुख बाणी गुरु दी बाणी राही मन टिक जांदा है। बाणी पढ़दे हां अंदर सुख आउंदा है। बाणी सुनदे हां ते पढ़दे हां गल ध्यान च रखियो मंजिल वल कदम रवां हुंदे ने। जिवें जिवें बाणी पढ़दे जाइए मन विच शांति आ जांदी है धीरज आ जांदा है। ये गुरु दी बख्शिश नाल शांति सहज ते सुख दा सोमा है जी। सेवा साची नाम समाणी अगर सेवा सची हो जाए अगर सेवा विच बेनती करा कोई स्वार्थ ना होवे सेवा विच कोई कामना ना भरी होवे सेवा विखावे दी ना होवे सेवा अंदरों तार के श्रद्धा ते प्यार विच भेज के कीती जाए ओही सेवा है। उस राही नाम विच सुरत समा जांदी है। धन गुरु अमरदास पातशाह जी दे पावन दरबार विच बीबी दानी भी रहिंदे ने भाई रामा भी रहिंदे ने ये वड्डी बेटी ते वड्डे दमाद ने रिश्ते विचों पर धन गुरु अमरदास पातशाह जी दे दरबार विच धन गुरु रामदास पातशाह भी रहिंदे ने बीबी भानी भी रहिंदे ने ये दोनों सेवा विच जुड़े हुए ने। मैं बेनती कर दियां भाई रामा भी थड़ा बनाउंदे ने धन गुरु रामदास पातशाह भी थड़ा बनाउंदे ने इकना दे थड़ा बनाउण विच हों बोलदी ए मैं चंगा बनाया आला बनाया वधिया बनाया तुहानू पता नहीं चलिया भी तुसां आख्या किहो जिहा सी ते हुण कह रहे हो चंगी बनिया पर धन गुरु रामदास पातशाह हथ जोड़दे ने पातशाहो मेरी मत थोड़ी है आप अकल भर दियो कि मैं थड़ा ठीक बना सका हाँ मैं नहीं सेवा है गुरु नू रिझान वाली वो प्रवान हो जांदे ने। अते ए मैं बेनती कर दिया अगर सेवा सच नाल जुड़ी होवे अगर सेवा भावना नाल जुड़ी होवे ते उस अकाल पुरख वाहिगुरु दी बख्शिश दा राह खोल देंदी है। ओ सेवा करदिया करदिया वाहिगुरु नाम विच अपनी सुरत नू समो लैंदा है चूंके गुर सेवा ते मन निर्मल होवे सेवा हिरदे दा भांडा मांज देंदी है नाम वस्तु नू संभालन दे काबल बना देंदी है। ऐसी सेवा करदिया करदिया नाम विच समा जाईदा है जी। शब्द मिले प्रीतम सदा ते आए गुरु दे शब्द राही अपने प्रीतम नू मिलाप रूप विच हासिल करके उस नू वसारदा नहीं। दुनिया दे संसारक लोगां नू अपने अपने प्रीतम मिलदे ने पर एक दिन पति पत्नी एक दूजे नू अपना प्रीतम जानदे ने पर एक दिन नफरत विच भर जांदे ने। लेकिन अकाल पुरख वाहिगुरु ऐसा प्रीतम है जो अत प्रिया है जो अत प्यारा है उस नू मिलाप करके फिर कदी वसारदे नहीं उस विच अपना आपा ऐसा समो लैंदे ने भी सदा ही उस दा ध्यावना अंदर बन जांदा है। जरा एक बेनती ध्यान च रख लेना जदों धन गुरु रामदास पातशाह जी दे इतिहास वाल झात मार के देखिए ते किवें अपने गुरु अमरदास जी नू
अपना प्रीतम बना लेंदे ने अते की कहंदे ने ए मेरे गुरु ए मेरी जिंदगी ने ए मेरा सहारा ने तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंदप मेरा सखा सखाए ए सच है ना की कहंदे ने सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई हों रह ना सका बिन देखे मेरी माई। धन गुरु अर्जन देव जी कथन करदे ने मगन भयो प्रिया प्रेम स्यो सूद ना सिमरत अंग प्रगट भयो सब लो मैं नानक अधम पतंग। अधम घटिया एवें निकम्मा जिहा पतंगा जानवर है की है पतंगे दा कोई बहुत वड्डा वधिया जानवर ए अधम पतंग है ए घटिया जिहा पतंगा है पर अपना प्रीतम पतंगे ने दीपक नू चुन लिया ते उस ते अपना आपा भेट कर दिता ते सारी दुनिया विच इस दी गल हो गई। ध्यान च रखियो प्रगट भयो सब लोभ है सारे लोगां विच सारी दुनिया विच प्रगट हो गया नानक अदम पतंग क्यों मगन भयो प्रिया प्रेम स्यों सूद ना सिमरत अंग अपने अंगां दी इस नूं सुध नहीं रहेगी भी मैं जल जावांगा मैं सड़ जावांगा मेरा हशर की होवेगा ओ अपनी सुध गवा लई ते अपने प्यारे त्यों नशावर हो गया भावें घटिया जिहा सी पर सारी दुनिया विच नाम हो गया। ते जे बेनती करदे आं कोई गुरु का सिख होवे नाम बाणी विच जुड़ जाए अपने वाहिगुरु नूं अपना प्रीतम बना लए उस दा आराधन करदा होवे ते सदा उस नूं ध्यावे ते कि इस सिमरन अभ्यासी गुरु के सिख दी जिंदगी सदीवी कायम ना रह जाए। ये सच है ना जिन्ना ने उस वाहिगुरु प्यारे प्रीतम नू अपना बना के आराध्या हजूर कहन लगे फिर उस प्रीतम नाल ओ सदा जुड़े रहंदे हन जी। साच नाम वड्याई पाए ओ सच्चे नाम दी वड्याई शोभा वडत पंता प्राप्त कर लेंदे हां जी। आपे करता जुग जुग सोए सदीवी हर जुग जुग विच ओ आप ही करता विद्यमान है जी। नदर करे मिलावा होए जिन्ना ते ओ नदर कर देंदे ने मेरे परमेश्वर वाहिगुरु जी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ अंदर वाहिगुरु दा नाम मन विच वस जांदा है जी। नानक साच रत्ते प्रभ आप मिलाए हजूर कहंदे ने ओ सच नाल रत्ते होए प्रभु दा मिलाप हासिल कर लेंदे ने जिन्ना ने वाहिगुरु दी कृपा दृष्टि प्राप्त कर ली ओ सच नाल रत्ते गए उस वाहिगुरु दे प्यार विच भजे रहे ते सच नाल जिन्हां दा प्यार बन गया उन्हां दा वाहिगुरु जी दे नाल मिलाप भी बन गया। ए आए अज दे पावन हुक्म ते पावन हुक्म दी विचार नू धन गुरु ग्रंथ साहिब ते धन गुरु रामदास पातशाह जी दी कृपा सदका शरवण कीता। आओ अज दे आरंभ हो रहे कत्तक महीने नाल संबंधत 12 माहां चो माज राग दे इस पावन शब्द नू सारे शरवण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी कत्तक कर्म कमावने दोष ना काहू जोग। कत्तक महीने नाल संबंधित धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी फरमान करदे ने जो कर्म कमावांगे ओही फल साडी झोली विच पएगा। कर्म करन लगियां परमेश्वर ने सानू आजाद रखे है
तू जे अमृत वेले उठना चाहे तो उठ सकदा, मालक दे चरना च अरदास करके तू नाम पढ़ नाम जप सकदा, बाणी पढ़ सकदा, तू धर्म कमा सकदा, तू सेवा कर सकदा। बेनती करदिया तू धन गुरु रामदास पातशाह जी दे दरबार विच आ सकदा। जे अंदर गुरमत है ते सिखिया गुरु दी लैके धर्म दे कर्म कमाउंदिया जिंदगी विच सुख झोली विच पवा लईदा। जे गुरु दी आग्या ना मनिए ते मन मुखता दे कर्म करके दुख झोली विच पैंदा। जदों कर्म भैड़े कीतिया दुख आ जाए ते फिर दोष ना देवी किसे नूं भी ये दुख मैनू रब ने दिता। बड़े लोग ऐसे ने पता नहीं रब सानू क्यों दुख देंदा। ये शब्द मैं बड़े लोगों को सुन के हैरान हुंदा कितनी मनमतता। लोग कहंदे ने मैनू फलाने दुख दिता है, मैनू पता नहीं रब ने क्यों दुख दिता है। साहब कहन लगे किसे नूं दोष ना दे, तू जैसे करावेगा वैसा फल झोली विच पवाएगा। बदा दोष न देऊ किसे, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया। दोष ना दीजै अवर जना तो कतक कर्म कमावने, दोष ना काहू जोग। परमेसर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। पाप ते होर भी बहुत पाप ने, पर सब तो वड्डा पाप है परमेश्वर नूं भुल जाना। ध्यान च रख लियो, जिंदगी में भूल तो और भी बहुत भूल हुई, पर खुदा को भूल जाना सबसे बड़ी भूल हुई। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग, कहन लगे सारे रोग आ व्यापदे ने। आदि व्याधि उपाधि ओ तिन्ने तापां विच घिर जांदा है जो परमात्मा नूं भुल जांदा है। जी वे मुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। रब वल्लों मुंह मोड़ के परमात्मा वल पिठ करके चलिया, ध्यान च रखियो दूरी वध जांदी है। वेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग, जन्मा जन्मां दे विछोड़े पै जांदे ने। अगर परमात्मा तो बेमुख होके उसका सिमरन छड़ के आराधन छड़ के उसकी चरण शरण की ओट छड़ के जे चलांगे तो समझ लेना अनेक जन्म भरमद्यां भरमद्यां जिंदगी बीत जाएगी। खिन मह कौड़े होए गए जितड़े माया भोग। अज माया दे भोग बड़े मिठे लगते हैं, खाना बड़ा मिठा लगता है, पहनना बड़ा चंगा लगता है, औगुण बड़े चंगे लगते ने। हजूर कहन लगे ये माया दे भोग जिन्ने अज तेनू मिठे लगते सी एक दिन सारे कौड़े हो जाते ने। इन्हों का स्वाद नहीं रह जाता, मिठा करके खाया कौड़ा उपजिया साध। ये सच है ना। अगर अंदर जिंदगी विच मैं बेनती करा नशा पीन लग्या बड़ा चंगा लगे, मिठा का मतलब यह नहीं भी जबान नूं मिठास पाउंदी है, मिठा सो जे भावदा जेड़ा भांदा है वह सानूं मिठा लगदा। वो अगर नशे होण, अगर वह किसी तरह का औगुण होवे, अगर किसी तरह का विकार होवे, अज वो मिठा जापदा। हजूर कहन लगे उस दी मिठास नूं बड़े गौ नाल झात मारी। फरीदा ए विष गंदला धरिया खंड लिवाड़, ए खिनमें कौड़े होए गए जितड़े माया भोग। ए माया दे भोग एक दिन छिन विच सारे बेरसे हो जांदे हन। जी विच ना कोई कर सके किस थैरो वहे रोज। विच विचोला विचकार खलो के तेरी सहायता करन वाला इन्ना विचो कोई भी नहीं आएगा। किस थै रोवें रोज, अपना रोना रोज किस कोल रोवेंगा। ये जिन्ना नू तू अपना साथी बनाया ते जिंदगी दा स्वाद बनाया, इन्ना किसे भी तेरी विचोलगी नहीं करनी, इन्ना किसे भी तेनू बचाउना नहीं। कीता किछु ना होवई
लिखिया तुर संजोग। फिर तेरा कीता कुछ भी नहीं होवेगा, चूंकि जो तू कर्म कीते ओ अकाल पुरख वाहिगुरु ने तेरा तुरों संजोग लिख के तेरी तकदीर बना के तेनू संसार उते भेज देना। फिर तकदीर के लिखे पर तदबीर क्या करे, अरे बादशाह सुनता नहीं तो वजीर क्या करे। रावण को घेरा मौत ने, सीता को उठाकर ले गया, अजल जो उसकी आ गई तो रघुवीर क्या करे। ओ भलिया, अगर तू अपनी जिंदगी दी तकदीर घड़न लग्या भुल जाएगा ते फिर अकाल पुरख वाहिगुरु वालों ओ तेरा लिखिया होया मुकद्दर तुरों संजोग ओ तेनू भोगना पएगा, तेरा अपना कीता फिर कुछ भी नहीं होवेगा। वड भागी मेरा प्रभ मिले ता उत्तर है सब बेयोग। वड्डिया भागा वाले नू अगर मेरे प्रभु दी प्राप्ति हो जाए ते जन्मा जन्मा दे सारे विछोड़े मुक जांदे ने। ओ वड्डिया भागा वाले जो गुरु दा दर्शन कर दे, गुरु दी संगत विच बैठ दे, गुरु घर दी सेवा निभांदे, गुरु दा उपदेश सुन दे, नाम सिमरन विच जुड़ जांदे, ए समझ लैना वड्डिया भागा दी निशानी है। उन्हां नू प्रभु दा मिलाप हो जांदा है ते फिर सारे वियोग ओ जन्मा जन्मा दे विछोड़े मुक जांदे हन जी। नानक कौ प्रभ राख लेहे मेरे साहिब बंदी मोच। धन गुरु अर्जन देव पातशाह साडे सारिया वालों करते दे चरणा विच अरदास करदे ने, हे प्रभु सानू रख लैना, आप साडे साहिब हो, साडे मालक हो ते बंदी मोच हो, बंधन कटण वाले हो, चूंकि बंधन काटे सो प्रभु जाके कल हाथ, अवर कर्म नहीं छूटी है राखो हर नाथ। ते हे मेरे प्रभु असी चरणा विच आए हां, साडे बंधन कट देना, आप बंदी मोच हो ते अपनी शरण विच रख लेना जी। कतिक हुवे साध संग बिन सह सबे सोच। इस कत्तक दे महीने राही धन गुरु अर्जन देव पातशाह शब्द उच्चारण करके उस करते दे चरणा विच अरदास बेनती करदे आ, इह गल समझांदे ने अगर अपना जीवन साध संगत राही बतीत करांगे ते साडियां सारियां सोचां मुक जाणगियां, साडे सारे फिकर लै जाणगे। ओ कह लईए बेफिकर बेखौफ जिंदगी जीवेगा, साध संगत विच आएगा, बाणी पढ़ेगा, बाणी सुनेगा, नाम जपेगा, जीवन गुरु ते परमेश्वर दे समर्पण कर देवेगा, अंदर दी सुरत विच सहज दा दीपक जल जाएगा। कतक किरत पिया जो प्रभ पाया, दीपक सहज बलै तत जलाया, दीपक रस तेलो धन पिर मेलो, धन उमा है सरसी अवगन मारी, मरै ना सीजै गुण मारी ता मरसी, नाम भगत दे निज घर बैठे अजो तनाड़ी आसा, नानक मिलो कपट दर खोलो एक घड़ी खट मासा। अरदास कीती मालक रहमत करो अपना दर अपना कपाट खोल देवो, मैं आप जी दा दीद कर लवां, अंदर दी सुरत विच सहज दा दीपक जले, जिसनू दुनिया दी कोई चंचलता दी अंधेरी बुझा ना सके, ऐसी साध संगत दे राही जिंदगी बेफिक्र होके सारियां सोचां मुक जांदियां। वाहिगुरु रहमत करदा उन्हां ते नाम दी बख्शिश बाणी दी बख्शिश करके जिंदगी आनंददायक प्रदान मेरे साहब कर देंदे। तो साहब कहंदे ने ਇਹ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਸੱਤ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪੰਧੀ ਬਣਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਮੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਬਣ ਜਾਏ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਤਮਾਮ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਮੁਕਾ ਦੇਣ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ
पावन बोल दे दो बोल फिर श्रवण करिए उपरंत फतेह बुलाइए जी। नानक कौ प्रभ राख लेहे मेरे साहिब बंदी मोच कतिक होवै साध संग बिन सहे सबे सोच। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।